हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज एक हम डिस्प्ले एड बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे पोडियम स्टाइल में, जैसे कि मैंने स्मार्टफोन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव सिंपल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सबको यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने मिले रोज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आगे फोटोशॉप सीसी में, मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साझा रखता हूँ 1080p 3772 रेजोल्यूशन कलर RGB। और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट एड्स और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे सॉलिड कलर में और यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले लूँगा, इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ पे इसका कलर कोड जनरेट हो जाएगा। ओके करूँगा। अब मैं इसी को एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में, ब्रश में जाकर यहाँ से सॉल्व ब्रश को सेलेक्ट करूँगा। ये जनरल ब्रश भी मिल जाएगा आप सभी को, इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब मैं ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से इस तरह में ब्रश को एडजस्ट कर लूँगा मैं और यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे जाके इस कलर को पिक करूँगा, इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे मोटर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड कर रखूँगा और इन दोनों को इस तरह में सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसे लॉक कर लूँगा ताकि ये बैकग्राउंड हिले ना। अब मैं इसी को एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं एलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा मैं इस तरह। हमें यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करके इसे इस तरह में बिल्कुल सेंटर में मैनेज करूँगा मैं। अब मैं इसी को मैं फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से फिर से मैं एलिप्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह सर्कल ड्रा कर लूँगा मैं। यहाँ कॉर्नर में डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कलर बॉक्स आ जाएगा, इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा डार्क कलर क्लिक करूँगा ताकि ये दिखे और ओके करूँगा। हमें यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह में मैनेज करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, थोड़ा फिर से बड़ा करूँगा ज़्यादा नहीं इस तरह में, और इंटर करूँगा। कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं और यहाँ से मैं इसी का डुप्लीकेट लिखाऊँ, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और इस नेचुरल लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के इस तरह मैं इसे नीचे की तरफ एडजस्ट कर लूँगा, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ इसी को पे एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ से जाऊँगा रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक मैं इसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे मोटर को सिलेक्ट करके इसे हैंड टूल से इस तरह मैं एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं सब कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये दिखे, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। बाद में हमें इसे ग्रेडियंट देना है तो इसे इस तरह मैं एडजस्ट कर लूँगा मैं। इस नेचुरल लेयर को भी सेलेक्ट करूँगा और इसी कलर को मैं पिक करके इसी में मर्ज कर लूँगा ताकि ये प्रॉपर दिखे इस तरह। तो यहाँ पे मैं हैंड टूल से लेफ्ट साइड में जाऊँगा और यहाँ पे भी चेक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह मैं एडजस्ट कर लूँगा मैं। राइट साइड में भी चेक कर लूँगा मैं इस तरह में और इंटर करूँगा, कंट्रोल जे करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं इसी का डुप्लीकेट ले करूँगा, इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, ये तीनों लेयर यहाँ पे आ जाएंगे। कंट्रोल टी करके मैं इसे इस तरह में ऊपर की तरफ रखूँगा और यहाँ से इस तरह में छोटा कर लूँगा इसे इस तरह, इंटर करूँगा, थोड़ा ऊपर की तरफ आऊँगा मैं और इसे इस तरह में एडजस्ट कर लूँगा मैं। कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पर मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल होल्ड कर दूँगा, इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लेके यहाँ पर रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सॉरी शिफ्ट पकड़ के इसे इस तरह मैं ऊपर की तरफ इसे मैनेज करूँगा और यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस लेयर को ऊपर की तरफ थोड़ा सा मैं मूव करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ इसे अरेंज करूँगा, इंटर करूँगा, कंट्रोल जीरो करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, इसे ड्रैग करके थोड़ा नीचे की तरफ ले लूँगा मैं, इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा थोड़ा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के इस लेयर को भी सेलेक्ट करूँगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा तो ये चारों तरफ सिलेक्शन आना जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं ग्रेडियंट दे दूँगा मैं इस तरह। यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा, अब मैं यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस लेयर को कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा, कंट्रोल ई प्रेस करके इसे भी मर्ज कर लूँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी सिलेक्शन आना जाएगा। और मैं यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा और इसे भी इस तरह मैं ग्रेडियंट दे दूँगा मैं। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करूँगा और इसे भी सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करके इसे भी मैं इस तरह में ग्रेडियंट दे दूँगा मैं, इसे इस तरह में एडजस्ट करूँगा मैं और यहाँ पे इस पॉइंटर को पकड़ थोड़ा इस तरह में एडजस्ट करूँगा मैं, थोड़ा नीचे की तरफ इसे एडजस्ट करूँगा मैं और यहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ा लूँगा मैं, इस पॉइंटर को पकड़ इस तरह में एडजस्ट करूँगा मैं और यहाँ पर मोटर को सेलेक्ट करूँगा।
अब मैं नीचे लेयर को सेलेक्ट करूँगा, इसे भी कंट्रोल होल्ड करके मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करके इसे भी इस तरह में ग्रेडियंट दे दूँगा। अब मैं नीचे लेयर को सेलेक्ट करूँगा और इसे भी ग्रेडियंट दे दूँगा, कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे आइकन को सेलेक्ट करके और यहाँ पे इस तरह में इसे भी इस तरह में ग्रेडियंट दे दूँगा। यहाँ पे सेकंड वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह में हैंड टूल से ऊपर करके इसे इस तरह में एडजस्ट कर लूँगा, मैं बिल्कुल सेंटर में रखूँगा और यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जीरो रख मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और इसी के नीचे मैंने एक क्लिपस्टून सर्कल ड्रॉ कर रखा है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस आइकन को सेलेक्ट करके यहाँ से इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ, और यहाँ पे इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं वाइट कलर ले लूँगा और यहाँ पे इसका बॉर्डर थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं और इंटर करूँगा। अब यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्रश में, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, इसे क्लोज बैक से इस तरह में छोटा कर लूँगा, इसे इस तरह में रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर ऊपर है, इस ब्लैक कलर को मैं ऊपर ले लूँगा इस तरह और यहाँ पे इस तरह से रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मली एक बॉर्डर दिखेगा। यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा, अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और इसी के नीचे एक सर्कल रखा हुआ है, इसे भी मैं ड्रैग करके ऊपर ले लूँगा, इसे भी मैं आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका फिल कम कर लूँगा और यहाँ पे कलर रखूँगा वाइट, और यहाँ पे भी इसका बॉर्डर थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं इस तरह और इंटर करूँगा। अब यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा, इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ओपन ब्रैकेट से इस तरह मैं ब्रश को बड़ा करूँगा और यहाँ पे इस तरह से रिमूव करके इसे इस तरह मैं एडजस्ट करूँगा मैं बॉर्डर को। तो ये नॉर्मली एक बॉर्डर दिखे, यहाँ पे मैं वाइट कलर को थोड़ा ऊपर लेके यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल कर लेता हूँ इस तरह में। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दोस्तों। अब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा लेयर पे और यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर मैं एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं रेक्टेंगल मार्की को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड कर दूँगा और यहाँ पे इस तरह ग्रेडियंट बना लूँगा मैं इस तरह में एडजस्ट करूँगा, इसे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं थोड़ा, और यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसे पर राइट क्लिक करके इसे रेस्टराइज कर लूँगा और फिर से राइट क्लिक करके मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा ताकि ये ग्रेडियंट लेना, इसे इस तरह में लेफ्ट साइड में अरेंज करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं। यहाँ से नीचे की तरफ इसे बड़ा कर लूँगा मैं, सेट पकड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा ताकि ये डिज़ाइन को कवर करे इस तरह और इंटर करूँगा। इसी का डुप्लीकेट निकालूंगा मैं अल्ट होल्ड करके और इसे इस तरह में राइट साइड में ला के इस तरह में मैनेज कर लूँगा मैं। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर मैं एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है सॉफ्ट ब्रश, और यहाँ से इस तरह मैं डार्क कलर पिक करूँगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इस तरह क्लिक करके एक शेडो दे दूँगा इसी के पीछे, तो नॉर्मली एक शेडो देखेगा इस तरह। कंट्रोल जीरो रख में डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करूँगा, सॉरी कंट्रोल जीरो रख में डिज़ाइन पे आऊँगा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट नीचे आऊँगा और यहाँ पे इसी को पे एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा मैं कलर बॉक्स पे और यहाँ पे इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा वाइट कलर पिक करूँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और ब्रश को ओपन ब्रैकेट से इस तरह बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका फिल कम करूँगा, ज़्यादा नहीं, और इंटर करूँगा। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, इससे के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ से मैं जाऊँगा ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके कलर बॉक्स पे थोड़ा सा मैं डार्क कलर पिक करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को क्लोज ब्रैकेट से इस तरह में छोटा कर लूँगा मैं और यहाँ पे हैंड टूल से थोड़ा सा नीचे लूँगा डिज़ाइन को और यहाँ पे इस तरह में एक ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा मैं फिल्टर में और यहाँ से ब्लर में जाके यहाँ से ग्रोशियन ब्लर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह इसका थोड़ा ब्लरनेस बढ़ा लूँगा मैं, यहाँ पे इस तरह में इसका ब्लरनेस थोड़ा बढ़ा लूँगा और ओके करूँगा। यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो इसका डुप्लीकेट है, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा इसे इस तरह में लेफ्ट साइड में रखूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके से फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा, इसे इस तरह में मैनेज इंटर करूँगा, इसे ड्रैग करके इसके पीछे ले लूँगा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके है दोस्तों। कंट्रोल जीरो में डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट ला के यहाँ पे मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्मार्टफोन का इमेज लिया हुआ है, इसे हम पहले PNG करेंगे। तो PNG करने के लिए यहाँ पे मैं मैजिक टूल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ऊपर का सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं मास्किंग ऑन करूँगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा ये। अब इसे पर राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट वॉच में कन्वर्ट कर लूँगा, इसे इस तरह ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ला कर इस तरह में रख लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह में छोटा कर लूँगा, इंटर करूँगा, इसे ड्रैग करके मैं टॉप लेयर पर रखूँगा, इस तरह ड्रैग करके रखूँगा और यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इस बैक को भी मैं PNG कर लेता हूँ, यहाँ पे मैजिक टूल को यूज़ करूँगा
और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इसे रिमूव करूँगा और यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा। इसी पे राइट क्लिक करके मैं इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मोटर को सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह पकड़ के ड्रैग करूँगा और ला के यहाँ पे इस तरह रख लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह मैं छोटा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा। इसे इस तरह मैं एडजस्ट करूँगा, इसे ड्रैग करके इस इमेज के पीछे ले लूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करके इसे थोड़ा सा मैं इसी के साइज़ में रखूँगा और इंटर करूँगा। इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा सिर्फ पकड़ के और बिल्कुल सेंटर में मैं चेक करूँगा कि सेंटर में है कि नहीं। तो इसे सेंटर में रख लिया और उसमें मैं इसका ऊपर ले लूँगा। अब इन दोनों का मैं डुप्लीकेट लिफाफा कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये दोनों नीचे की तरफ आ जाएंगे। कंट्रोल होल्ड कर रखूँगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इस पॉइंटर को ला के यहाँ पर रख लूँगा। अगर ये पॉइंटर आप सबको यहाँ पर ना दिखे तो यहाँ पर अनचेक रहेगा, तो इसे चेक कर लीजिएगा। इसी पर राइट क्लिक करके मैं फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा और एंटर करूँगा। थोड़ा सा एरोस में ऊपर की तरफ मैनेज करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा, इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट ब्रश मैंने लिया हुआ है। इसे ओपन ब्रैकेट से इस तरह मैं बड़ा करूँगा, हैंड टूल से इसे इस तरह ऊपर ले लूँगा मैं और यहाँ पर इस तरह मैं इसे रिमूव करूँगा। यहाँ पर व्हाइट कलर ऊपर है तो इसे ब्लैक कलर को ऊपर ले लेता हूँ मैं और इसे इस तरह मैं रिमूव कर लूँगा मैं। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मास्किंग करूँगा, इस वाइट बॉक्स पर क्लिक करके इसे भी इस तरह मैं रिमूव करके इसे एडजस्ट कर लूँगा। ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा मैं इस तरह में, फिर इस तरह मैं रिमूव करके एडजस्ट कर लूँगा मैं। अब इन दोनों लेयर के नीचे मैं एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से इस कलर को पिक करूँगा ब्लैक को और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को कंट्रोल जे करके मैं डिज़ाइन पे आ जाऊँगा और यहाँ पे ब्रश को ओपन ब्रैकेट इस तरह बड़ा करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं बेंड करके इसे नीचे की तरफ इस तरह मैं एडजस्ट करूँगा मैं स्मार्टफोन के पीछे इस तरह, और फिर इसे इस तरह स्ट्रेच करके बड़ा करूँगा मैं, इसे इस तरह मैं एडजस्ट करूँगा। कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ पे सिलेक्शन ऑन हो जाएगा और यहाँ पे मैं मोटर को सेलेक्ट करूँगा तो ये अलाइन का पैनल एक्टिवेट हो जाएगा, इसे सेंटर में ले लूँगा मैं। कंट्रोल डी प्रेस करके डिलीट करूँगा। अब इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करके इस ब्लैक कलर को ले लूँगा और ब्रश को छोटा करूँगा मैं थोड़ा, और यहाँ पर मैं सिर्फ पकड़ के इस तरह में ड्रॉ कर लूँगा मैं। और यहाँ पर जाऊँगा फिल्टर में, ब्लर में जाकर ग्रोशन ब्लर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह मैं का ब्लरनेस थोड़ा बढ़ा लूँगा ताकि इसका एक शेडो लगे और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसका फिल थोड़ा कम कर लूँगा इस तरह और इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीका दोस्तों। अब मैं आऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इसी को एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं जाऊँगा ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसी कलर को रहने दूँगा मैं। यहाँ पे इस तरह मैं थोड़ा ओपन ब्रैकेट इस तरह मैं सिर्फ पकड़ूंगा और यहाँ पे इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा मैं। यहाँ पे मोटर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और थोड़ा सा इसे इस तरह मैं छोटा कर लूँगा मैं और इंटर करूँगा। इसी का डुप्लीकेट क्लिक करूँगा, अल्ट होल्ड रखूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं इसका डुप्लीकेट क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इस तरह में कंटिन्यू डुप्लीकेट क्लिक कर लेता हूँ। अभी इन चारों लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा सिर्फ पकड़ के और कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो चारों मर जाएंगे। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह मैं रोटेट करके मैं थोड़ा नीचे की तरफ इसे इस तरह मैं बेंड कर लूँगा और इसे स्ट्रेच करके इस ऊपर की तरफ रखूँगा। इसे इस तरह मैनेज करूँगा मैं, थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ मैं और इंटर करूँगा। इसे ड्रैग करके स्मार्टफोन के पीछे ले लेता हूँ दोनों स्मार्टफोन के, तो ये पीछे चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका फिल कर लूँगा थोड़ा सा कम इस तरह, तो एक ये शेडो दिखेगा विंडो का इस तरह और इंटर करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं फिल्टर में और यहाँ पे जाऊँगा ब्लर गैलरी में और यहाँ से ग्रोशिंग ब्लर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा इसका ब्लरनेस में बढ़ाऊँगा ज़्यादा नहीं और ओके करूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसका फिल में बढ़ा लेता हूँ, काफ़ी मुझे लाइट लग रहा है और इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करूँगा तो ये सारे डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा कलर करेक्शन कर लेते हैं, तो ये सारे डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा कलर करेक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ से जाऊँगा मैं फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा मैं लाइट में और यहाँ से इसका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं इस तरह और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँगा इसका, थोड़ा सा हाईलाइट इसका कम करूँगा मैं और यहाँ पर शेडो थोड़ा सा कम करूँगा मैं, यहाँ पे वाइटनेस भी थोड़ा कम करूँगा और यहाँ पे इसका ब्लैकनेस थोड़ा कम करूँगा मैं इस तरह। इसे ऑफ कर लूँगा मैं और यहाँ से आऊँगा इफेक्ट में और यहाँ पे इसका टेक्सचर बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा लूँगा मैं इस तरह और डेज को भी थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं और यहाँ पे वेगनेट को थोड़ा सा मैं माइनस करूँगा और यहाँ पे गेन को रखूँगा मैं 10 तक और ओके करूँगा। अब मैं आऊँगा यहाँ इमेज में और यहाँ से आऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पर थोड़ा सा इसका सेचुरेशन बढ़ाऊँगा ज़्यादा नहीं और यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेंस और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में आऊँगा और यहाँ से आऊँगा मैं ब्राइटनेस में और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा ज़्यादा नहीं और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में आऊँगा और यहाँ से आऊँगा मैं एक्सपोजर में और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑफसेट बढ़ाऊँगा मैं ज़्यादा नहीं
और ओके करूंगा। फाइनली दूसरा डिजाइन हमारा रेडी हो गया पोडियम स्टाइल में। तो दूसरा डिजाइन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।